वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो मैं अपने सेट पे पहुंच चुका हूं और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और तो आज आपको मिलवाता हूं मैं। आपने देखा ही होगा पीछे मेरा बैकग्राउंड, हमारा सेट, और ये देखिए। और तो मैं पहुंच चुका हूं और आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाता हूं एक बहुत ही अच्छे कलाकार और उनसे मिलवाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए या कुछ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं उसको सही करने की, उन चीज़ों को चेंज करने की, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूँगा और आप तक ज़रूर पेश करूँगा। तो अभी मैं आपको पहले भी अपने ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को अभी ज़्यादा नॉलेज है नहीं यूट्यूब की, ब्लॉगिंग की, तो कर रहा हूँ और मैं ज़रूर कुछ अच्छा लेके आता रहूँगा। आप चेंजेस के लिए बोलते रहिए कि क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं चेंज करना चाहिए। तो नाउ इट इज़ ओवर, सो आई एम गोइंग टू मीट यू समवन इज़ ग्रेट आर्टिस्ट। सो थैंक यू सो मच, लव यू भाई। हमारे बहुत मतलब बहुत चहेते और बहुत धुरंधर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हमारे सर हैं, तो उनसे मैं मिलवाने के लिए जा रहा हूँ और उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैं उनसे मिला था तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं आपको उनसे मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे सर हैं, मतलब मैं इनके सामने थोड़ा सा नर्वस सा हो रहा हूँ क्योंकि पहली बार उनके साथ थोड़ा सा कैमरा फेस करने जा रहा हूँ फ़ोन पर। वैसे तो शोज़ में हम करते रहते हैं, तो ये मिली हमारे सर से। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देख लो हैं, अपने YouTube चैनल खोल ली। हाँ, यहाँ पे तो कहता था मैं तो आपसे सीखता हूँ, करता हूँ, मेरे से तो आगे निकल गया ये। सर ये बस आपका आशीर्वाद है सर, अगर आपने मुझे थोड़ा मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। बट आपने ही बोला था ना मुझे कि टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए, आज का टाइम जो है, आज का दौर है, आप लोगों का दौर है। हम तो अब रिटायर हो गए हैं, बैठे बैठे जो आता है बोनस समझ के खा रहे हैं बस। नहीं नहीं सर, मैंने आपके पुराने शोज देखे, इतने हिट शोज, और आप यहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हो आपको की उल्टन पलटन में। तो वो आपको और हिमानी मैम को देख देख के मैंने सीखा है, और जब पुराने शोज में था वहाँ भी मोस्टली जितने भी सर बड़े एक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे, तो इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे टीवी की टेक्निकली, तो उन्होंने सिखाया। और यहाँ पे आए तो आप लोग मिल गए, तो ये सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। अच्छा है ना, मतलब तेरी चैनल के लिए भी अच्छा है, तेरे लिए भी अच्छा है, आगे बढ़ता रहे इसी तरह से और काम करता रहे, फर्स्ट क्लास। बस सर अपना आशीर्वाद प्लीज ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आप, और सबसे बड़ी बात जो हमारे सर है बहुत डाउन टू अर्थ है, इतने मतलब इतना काम कर लिया, इतने सीनियर हैं, कोई भी ऐसा कुछ है नहीं इनका स्पेशली कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये ना बिल्कुल चालू लड़का है। नहीं 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 सर, क्योंकि मेरी सीरियल में ये मेरे को देख नहीं पाता है, इसलिए यहाँ मेकअप रूम में पकड़ के मेरे से बात कर रहा है, समझे आप लोग? क्योंकि सीरियल में देखोगे ना तो वह तो दिखता नहीं भूत हो। तो इसको ये देखता नहीं, तो अभी पकड़ लिया उसने, मौका ढूंढ के पकड़ के बिठा दिया, बोले चलो 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 करते हैं। पर हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि हम तो उनको देख सकते हैं, वो हमें नहीं देख सकते। मैं उनको सुन सकता हूँ, मुझे नहीं सुन सकते। मैं उसको मारने जाता हूँ तो हवा में निकल जाती है बात, ऐसा है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इनको देखते रहो, ये बहुत ही मेहनती लड़का है, मेहनत करने का मैं पीछे नहीं पड़ता, और मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा ही, ये तो दुनिया का उसूल है। आप काम करो, आगे बढ़ते रहो सर। प्लीज आशीर्वाद दीजिए एक बार प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद प्लीज, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आई एम वेरी ग्लैड कि सर से, मतलब सर से आपको मिलवाया और सर ने मुझे सपोर्ट किया। सर ने बोला कि अरे कोई नहीं, बिल्कुल सर ने कोई नहीं, मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि सर से पूछो नहीं पूछो, बट सर ने बहुत कोऑपरेट किया। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद प्लीज़ ऐसा ही बना रहे। सो गाइज, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कुछ अच्छी अच्छी अपडेट देखनी है तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए माई चैनल, माई यूट्यूब चैनल, और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। और हमारे जैसे धुरंधर सर हैं ऐसे ही, और भी हमारे कोई एक्टर, उनसे मैं आपको मिलवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।